बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मानज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से जो गलत और फेक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी रोकथाम के लिए किस तरीके से हुकूमत जो है अब वो एक्शन में आ गई है और FIA को एक बार फिर सोशल मीडिया पर कार्रवाई का इख्तियार जो दिया गया है उसमें किन किन चीज़ों का अब इजाफ़ा किया गया है, सज़ाएँ कितनी बढ़ा दी गई हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो मवाद रखा जाता है जो कि नहीं रखना चाहिए उसका सद्देबाब जो है अब वो FIA किस तरीके से करेगी। सख्त कार्रवाइयाँ जो हैं वो किन किन दफ़ात का इजाफ़ा किया गया है जिनके तहत सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। ये अहकामात जो हैं हुकूमत की तरफ से FIA को जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया पर जो मवाद है वो कोई भी किसी ऐसा मवाद रखेगा जो कि नहीं होना चाहिए, उस सारिफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफ़ाक़ी कैबिनेट ने कुछ तरामीम के ज़रिए इनकी मंजूरी दी है। आज की तमाम वीडियो में ये सारी डिटेल हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारा जो आईन का आर्टिकल 19 है वो हमें इस चीज़ की आज़ादी देता है कि हम अपनी जो इजहार राय है उसके मुताबिक हम बात कर सकें, हम बोल सकें जो चीज़ें हमारे माशरे में हो रही हैं। अगर कोई चीज़ गलत हो रही, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है उस पर बात कर सकें, किसी चीज़ को कंडेम करना है उस पर आवाज़ उठा सके, किसी चीज़ पर प्रोटेस्ट करना बनता है उस पर खड़े हो सकें। ये हमारा जो आइन का आर्टिकल 19 है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है फेक न्यूज़ का, बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया के ऊपर। फेक न्यूज़ हर दूसरा जो भी कोई आईडी बना हुआ है मोस्टली ऐसा होता है कि वो फेक बना होता है। और अगर हम देखते हैं तो इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पाँव होता है, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा कर इस तरीके से वायरल कुछ चीज़ों को कर दिया जाता है कि वो आगे से आके कि जो झूठ होता है ना वो भी सच लगने लग जाता है। लेकिन अब जो हुकूमत है वो भी एक्शन में आ गई है और हुकूमत ने इस हवाले से सख्त जो है वो कार्रवाई करने का इरादा किया है। और इस सिलसिले में FIA जो है उनको जो है कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, तरामीम की गई हैं कुछ, और कैबिनेट के ज़रिए मंजूरी देकर इन तमाम चीज़ों को मंजूर करवाया गया है कि अब जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं जो कि जिसका दिल करता है, जिस पे उंगली उठाना चाहता है उठा लेता है, जिस पे कीचड़ उछालना है वो उछाल लेता है, और जिसकी ज़ात पे कोई बात करनी है ज़ातियात पे बातें की जाती हैं। और इन तमाम चीज़ों की रोकथाम के लिए जो है अब FIA जो है वो अपना काम, अपनी कार्रवाई शुरू करने जा रही है, जो कि मैं आगे चल के आपको उसकी थोड़ी डिटेल बताऊंगी। और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो सियासी और समाजी हमारे मसाइल जो हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अब बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जो किसी की ज़िंदगी के ऊपर इस तरह बिजली बन के गिरती हैं कि बहुत सी ऐसी पहले चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि गलत ख़बर जो है वो देने पे या कोई चीज़ ऐसी वायरल कर देने की वजह से बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा अब ख्याल करना होगा कि ये जो मसाइल, रियासती मसाइल अगर हम देखें तो सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ की वजह से रियासती मसाइल में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया। यहाँ अब ये होने लगा है कि हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं बिलखसूस सोशल मीडिया के ज़रिए उनको भी टारगेट किया जाता है, उन पे ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसी ऐसी बातों को सोशल मीडिया पे लाया जाता है कि जो कि आज से कुछ साल हम पीछे चले जाएं तो वैसा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि कोई इस किस्म की जो बातें हैं वो की जाएंगी, कौमी रियासती अदारों के ऊपर कोई सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन अब फेक आईडी जो हैं वो बनाए जाते हैं, फेक आईडीज़ के ज़रिए फिर इस किस्म की कम्पेन चलाई जाती है कि किसको टारगेट करना है किसको नहीं करना, और फिर जिसको टारगेट कर लिया जाता है इतनी ज़्यादा वायरल चीज़ें कर दी जाती हैं कि झूठ पे मबनी चीज़ें हैं। ऐसा ऐसा लगता है कि शायद वो रियलिटी पे बेस कर रही हैं। तो इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए अब क्या किया है जी, थोड़ी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि FIA को एक बार फिर जो है सोशल मीडिया की कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया है। हुकूमत ने सोशल मीडिया पे मवाद पर जो पाबंदियों के लिए नई तरामीम हैं उनका फ़ैसला कर लिया है कि अब नई तरामीम की जाएंगी ताकि उनके ज़रिए एक तो इस मवाद को रोका जा सके और दूसरा सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि जब तक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, कानूनी शिकंजे में लोग नहीं आएंगे। ये जो मामला चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ये किसी भी तरीके से इसकी रोकथाम नहीं हो सकेगी। तो हुकूमत जो है वो काबिल एतराज़ जो मवाद है उसकी बुनियाद पर कार्रवाई का इख्तियार रखती है। FIA को ये तमाम इख्तियार अब दे दिया गया है कि जो काबिल एतराज़ मवाद है उसकी बुनियाद पर जो उस सारिफ़ के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जो तरामीम तजवीज़ की गई हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता देती हूँ कि जो तरामीम इस तमाम मामले में की गई हैं उनमें ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 505 FIA एक्ट में शामिल की जा रही है। इस बुनियाद पर जनाब अब FIA जो है सोशल मीडिया मवाद पर किसी भी सारिफ़ के ख़िलाफ़ भी चाहे जिसने कोई गलत मवाद रखा हुआ है, कोई ऐसा मवाद रखा है जो कि हमारी कौमी सलामती के लिए ठीक नहीं, हमारे जो कौमी सलामती के इदारे हैं, हमारे रियासती इदारे हैं उनके लिए ठीक नहीं है, या किसी को गलत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, किसी को गलत टारगेट किया जा रहा है, कोई ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं जिससे मुल्क में इंतशार फैलने की कोई वजूहात पैदा हो सकती हैं, तो उसके लिए जनाब अब ये किया गया है कि सख्त कार्रवाई जो है वो उस मवाद की बेस पे की जाएगी। और जो मुतलका सारिफ होगा जिसने कोई इस किस्म का सोशल मीडिया पे मवाद रखा होगा उस 7 साल की जो कैद की सज़ा है वो उसको दी जाएगी। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट है हुकूमत की तरफ से कि सोशल मीडिया शुतर बे मुहार एक वो घोड़ा है जो कि ना रुकने वाला है और जिसका जो दिल चाहता है वो किए जा रहा है। लेकिन अब हुकूमत ने अमेंडमेंट इसलिए कर दी हैं कि ज़रा सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त सज़ा दी जाए, ताकि कुछ लोगों को सज़ा होगी तो उसके बाद इसकी रोकथाम जो है वो अमल में आ सकेगी। इसके साथ साथ आपको नाज़रीन थोड़ा सा बताते चलें कि वफ़ाक़ी कैबिनेट ने सर्कुलेशन के ज़रिए FIA एक्ट में मज़ीद तरामीम की मंजूरी जो है वो आज दे दी है और इसकी बेस पे जो है FIA एक्ट में तरमीम जो है वो की जा रही है। हतमी मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट से ली जाएगी, जिसके बाद FIA सोशल मीडिया पर नफ़रत अमेज़ मवाद पे सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में ला सकेगा। जो समरी है थोड़ा सा उसका आपको मैं बता देती हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से समरी जो है वो कैबिनेट से मंजूर करवा कर सामने आई है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसमें क्या चीज़ मेंशन की गई है कि सोशल मीडिया पर किसी किस्म की जाली ख़बरें, फेक न्यूज़, अफवाहें, कोई भी अफवाहों से मुतल्लिक बात होगी, कोई गलत ख़बर होगी उस पर जो है वो कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। और FIA जो है वो इसका मजाज होगा कि वो ऐसे सार्फिन के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाएगा। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद इस कानून के तहत जो है वो 7 साल कैद की सज़ा जो है वो हो सकेगी। और वाज़ह रहे कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पहले ही शदीद इतराज़ लगा कर जो है वो पेका एक्ट को कालअदम करार दे चुकी है। तो ये तमाम मामला थे जनाब। ये तो होगी एक तरफ तमाम चीज़ें जो कि गवर्नमेंट करने जा रही है, हुकूमत रोकथाम करना चाह रही है। सोशल मीडिया पे फेक आईडीज़ बनाए जाते हैं मुख्तलिफ, बिलखसूस अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सोशल मीडिया विंग्स हैं बनाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं एक दूसरे को, और उन सोशल मीडिया विंग्स के ज़रिए जो है ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे रखी जाती हैं, इस किस्म की ओछी किस्म की चीज़ें सामने आती हैं कि इंसान आज से अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ें सामने आ सकती हैं, या ऐसी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही होती है। तो ये वाकई ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ। फेक न्यूज़ जो है सोशल मीडिया के ऊपर उसको रोकना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हर दूसरी जो ख़बर सोशल मीडिया पे आ रही होती है वो उसमें रियलिटी जो है वो बहुत कम होती है और झूठ जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब ये है कि इस सिलसिले में हमें ये देखना होगा कि ऐसे इस तरह के मामला जो हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड करने होंगे। हुकूमत को भी, FIA को भी और दीगर जो इदारे हैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए कि इस तरह का कोई तमाम क्राइटेरिया बना लिया जाए कि सबकी राय जो है वो इसमें शामिल की जाए। और चूँकि जैसे कि नाज़रीन आपको बताते चले कि आज़ादी इज़हार एक हमारा फंडामेंटल राइट है और इस पर जो है वो मशावरत किए जाना बहुत ज़रूरी है। और इस पे ये है कि हमारा जो रियासती मुफाद है, हमारी रियासत का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। तो इस पर इस तमाम ये जो बिल जो है आगे इसको फिर पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो इस पर एक बहुत ही सीर हासिल बहस की ज़रूरत है हमें, जिसमें मीडिया हाउसेस को शामिल करने की ज़रूरत है। वकला बरादरी इसमें अपनी पार्टिसिपेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र के लोगों को इसमें शामिल किया जाए, NGOs को शामिल किया जाए, सबसे मशावरत की जाए कि इस पे बेहतर से बेहतर क्या चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं कि जिन पर बाद में इम्प्लीमेंटेशन भी हो सके। और सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का या इस तरह की ख़बरें जिनकी वजह से इंतशार फैल रहा है या कुछ ऐसा मवाद जो हमारे लिए बेहतर नहीं है उसकी रोकथाम हो सके। तो जब तक इन तमाम हल्का अहबाब से ये तमाम चीज़ें कलेक्ट नहीं की जाएंगी, इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की जाएगी, मशावरत नहीं की जाएगी, बहस नहीं की जाएगी, तो तब तक ये चीज़ें जो हैं ये क्लियर नहीं हो सकेंगी। तो बाकी हम थोड़ी सी बात करें हमारे सियासी और समाजी मसाइल, तो सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे सियासी और समाजी मसाइल हैं इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। ऐसी चीज़ें माजी में हम देखते रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया की वजह से अपनी जान से भी हाथ धोया है और वायरल कर दी जाती हैं, किसी की प्राइवेसी को वायरल कर दिया जाता है। अगर कोई नहीं भी चाह रहा उस पे मीम्स बनाए जाते हैं, उस पे इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं कि उसकी हुटिंग की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो बंदा जो है वो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको हमने देखा है कि फिर उन पे इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो ये चीज़ें सारी हमें देखने की ज़रूरत है और इससे हमारा जो इखलाकी तरबियत है उसकी भी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। अवेयरनेस इस तमाम सोशल मीडिया के बारे में जो है इस तरह की कोई कंपेन चलाई जानी ज़रूरी है जिससे अवेयरनेस लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो सके कि इखलाकी तरबियत की बहुत ज़रूरत है कि जिसका जो दिल चाहता है वो सोशल मीडिया के ऊपर उसके मुताबिक चल रहा होता है, जो किसी का माइंड सेट है उसके मुताबिक वो चीज़ें शेयर कर रहा होता है। तो इसके लिए इखलाकियात जो है उसका दर्स भी बहुत ज़रूरी है, सद्देबाब बहुत ज़रूरी है फेक न्यूज़ का और इन चीज़ों का। तो इन तमाम चीज़ों को मानते हैं हम कि हुकूमत जो है वो अमेंडमेंट भी कर दी है उन्होंने। सोशल मीडिया पे जो मवाद है अगर कोई गलत मवाद रखा जाएगा तो सारिफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी, 7 साल की सज़ा भी दी जाएगी। ये भी चीज़ें सामने आ गई हैं। हमारे FIA के इख्तियारात जो हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन बात ये है कि जब तक इन तमाम चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा और बाकी दीगर हल्का अहबाब से हम राय नहीं लेंगे, मशावरत नहीं करेंगे, तो तब तक मनतकी अंजाम तक ये तमाम जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का मामला है इसको नहीं पहुँचाया जा सकता। नाज़रीन, हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।